वेलकम टू चेतना क्लासेस, आपका अपना होम स्कूल। चेतना क्लासेस के लाइव लेक्चर से जुड़िए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। चेतना क्लासेस आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस लेकर आया है, जो कि 23 जुलाई से स्टार्ट हुई है। दोस्तों, आप हमारे इस लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, COVID-19 की वजह से ईयर 2021 में हमारी स्टडीज सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने 25% का रिडक्शन किया है हमारे सिलेबस में। तो आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि लैंग्वेज स्टडी यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी और संस्कृत के कौन कौन से पार्ट को रिड्यूस किया गया है। फर्स्ट देखते हैं इंग्लिश कुमार भारती, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम, यूनिट वन में 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, पेज नंबर 14। ये हमारे सिलेबस से तो रिमूव हो चुका है, बट इसकी एक्टिविटीज एक्टिविटी नंबर 1, 2, 6, 7, 9 and 10 ये एक्टिविटीज जो है वो अभी तक हमारे सिलेबस में है। इसके बाद है यूनिट टू में 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसे हटा दिया गया हमारे सिलेबस से, पेज नंबर 89 पर है ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। यूनिट थ्री में 3.4 द विल टू विन, ये आता आपके पेज नंबर 122 पे, इसे भी कंप्लीटली रिमूव किया है हमारे सिलेबस से। नेक्स्ट है यूनिट फोर में 4.1, ये एक पोयम है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये रिमूव हो चुका है हमारे सिलेबस में से। एंड 4.6 द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये भी हट चुका है, बट इसकी जो एक्टिविटीज है वो अभी तक हमारे सिलेबस में रिटेन्ड है। एक्टिविटी नंबर 10, 11, 12, 13 ये एक्टिविटीज हैं जो अभी तक हमारे सिलेबस में हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा, जिसमें पहली इकाई में से क्या क्या एलिमिनेट किया गया है। चैप्टर 2 लक्ष्मी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 5 गोवा जैसा मैंने देखा। चैप्टर 7 खुला आकाश, पूरक पठन है ये। और चैप्टर नंबर 11 कृषक का गान, ये चैप्टर्स यूनिट 1 में से निकाल दिए पहली इकाई में से, और दूसरी इकाई में भी 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 श्रम साधना और चैप्टर नंबर 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा, तो ये भी चैप्टर्स निकाल दिए गए। आप सभी चैप्टर्स के पेज नंबर भी देख सकते हैं, इंडेक्स में आप ऑलरेडी देख रहे हैं और उसे आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए। बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस में से तो निकाल दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके ग्रामर को और इसके राइटिंग स्किल को पढ़ना है, क्योंकि वो नहीं निकले हैं। तो अब आगे देखते हम मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं, मराठी अक्षर भारती में भाग 1 में कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। भाग 2 में चैप्टर नंबर 6 चूड़ी वाला, ये हटा दिया गया है। भाग 3 में लेसन नंबर 10 रंग साहित्याचे, अब ये भी नहीं है। और जो स्थूल वाचन है जगन कैक्टस, तो ये जो है ये चैप्टर भी रिमूव कर दिया गया है। और ये भाग 4 में चैप्टर नंबर 14 बीज पेड़ ले गेले, इसे भी रिमूव कर दिया गया है।
तो टोटल इस तरह से ये चैप्टर्स रिड्यूस हुए, बट फिर भी जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको इन चैप्टर्स के व्याकरण और लेखन कला को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये आपके इंटरनल और साथ ही साथ एक्सटर्नल में पूछा जाने वाला है। मराठी अंतर्भारती यत्ता धावी, ये 40 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि कंपोजिट मराठी, इंटायर मराठी 80 मार्क्स का होता है, ये कंपोजिट मराठी है। इसमें भी कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट किया गया है। भाग एक में चैप्टर नंबर 4 इसको रिड्यूस किया गया है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, और भाग दो में दो चैप्टर हटाए गए हैं, चैप्टर नंबर 9 तरफ और चैप्टर नंबर 14 भल्लगड़ी दादा, तो ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अब कंपोजिट मराठी के साथ कंपोजिट संस्कृत भी होता है 40 मार्क्स के लिए। इस टेक्स्ट बुक का नाम है दसवीं कक्षा आनंद। अब इसमें से क्या क्या रिमूव किया गया है, चैप्टर नंबर 8 नदी सुप्तम, चैप्टर नंबर 11 मानवता धर्म, और अभ्यास पत्रम 4 इसे हटा दिया गया है। ये अभ्यास पत्रम को रिमूव क्यों करना पड़ा था, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर 11 है इसके कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर 11 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, बाकी अगले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कंपोजिट के लिए। अब अगर किसी स्टूडेंट ने एंटायर संस्कृत लिया है, आमोद जो टेक्स्ट बुक है संपूर्ण संस्कृतम, यहां पर चैप्टर कौन कौन से एलिमिनेट हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 धेनो व्याघ्र, और चैप्टर नंबर 10 नदी सुक्तम, चैप्टर नंबर 11 जटायु शौर्यम, और इसी के साथ अभ्यास पत्रम 3 ये भी हट गया है। अभ्यास पत्रम 3 में बेसिकली क्या हटाना था गवर्नमेंट को, चैप्टर 9, चैप्टर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 है इसके ऑल क्वेश्चंस को हटाना था, और चैप्टर 11 के क्वेश्चन नंबर 4 जो है समास इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से निकाला गया है। अब यहां पे हम देखते हैं लेखन कौशलम, लेखन कौशलम में भी निबंध जो है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं और चित्र वर्णनम में भी आया है। तो निबंध में क्या किया गया, आपके सिलेबस में टोटल 7 कंपोजिशंस थे जिसमें से अब 2 हटा दिए गए, 2 कंपोजिशंस अब यहां से हटा दिए गए, और उसी तरह के से चित्र वर्णनम है इसमें भी टोटल आपके पास कितने थे, 9 थे, 9 पिक्चर्स को आपको डिस्क्राइब करना था जिसमें से अब 2 हटा दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं मैं उसके नाम आपको बता देती हूं, मम प्रियम पुस्तकम ये है, और दूसरा है भारतीयम प्रसिद्धम स्थलम, ठीक है, और चित्र वर्णन में आप देखेंगे कौन कौन सा एलिमिनेट हुआ है, ध्वज वंदनम, और दूसरा है सायंकाल, ये 2 जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया आपके सिलेबस में से। तो हमने यहां पर देखा लैंग्वेज स्टडी के इंग्लिश हिंदी मराठी और संस्कृत ये सभी सब्जेक्ट से क्या क्या निकाला गया है, और ये क्यों किया गया आप सभी जानते हैं, COVID-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से अभी पूरा वर्ल्ड एक तरीके से सफर कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की जो कुछ स्ट्रेस लेवल होती है उसको रिड्यूस करने के लिए 25% सिलेबस को हटा दिया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए साइंस और मैथ्स के भी क्या क्या चैप्टर्स एलिमिनेट हुए हैं इससे रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं।